कंप्यूटर पर आप कोई डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं या एमएस वर्ड में वॉइस क्रिएट करके आप कोई डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, तो आपको इसको प्रिंट आउट निकाल के आपको इसको साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ऑनलाइन साइन कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है ई साइन, और ई साइन पूरी तरह वैलिड है। तो जैसे आप प्रिंट आउट निकाल के उस पर साइन करते हैं तो आप बॉन्ड हो जाते हैं, उसी तरीके से आप ई साइन करके पूरी तरह से आप बॉन्ड हो जाएंगे। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा, और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो चलिए हम सीख लेते हैं कि ऑनलाइन ई साइन हम कैसे करेंगे, तो इसका मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. इस सिग्नेचर के लिए काफ़ी सारे वेबसाइट है, लेकिन हमें ये जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिक्योर साइट है, तो हमें कोकोसाइन बहुत ही पसंद है। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर दिए गए हैं जिसमें दूसरी साइट पे आपको बहुत ही कमी के साथ देखने को मिलेगा। आप इसमें आसानी के साथ सिग्नेचर भी कर सकते हैं और आप इसमें डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें सिग्नेचर करके भी अपलोड कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए यहाँ साइन ए पीडीएफ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट चूज करेंगे जिस पे आप साइन करना चाहते हैं। उसकी जो एक्सटेंशन है पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी, डॉस और एक्सएलएस है, या आप गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव या बॉक्स से भी आप इसमें इम्पोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कंप्यूटर से अपलोड करूंगा तो चूज फाइल पर क्लिक करूंगा। यहाँ मेरे पास एक फॉर्म है, इसको मैं साइन करूंगा, तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर ओपन करूंगा। आपके सामने आपके जो डॉक्यूमेंट है ये ओपन हो जाएंगे और राइट साइड में यहाँ पे आपकी जो टूल्स है वो टूल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये फॉर्म है, हमको इसमें जो है ई सिग्नेचर करनी है, तो जहाँ भी सिग्नेचर करना है टूल्स में से सिग्नेचर को उठा के लेके आएंगे और यहाँ पे इसको ड्रॉप करेंगे। आपके सामने में ये पॉपअप ओपन होके आ जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं टाइप योर सिग्नेचर, तो यहाँ पे आप सिग्नेचर को टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग कर देता हूँ, मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ इंजीनियर राजा, तो देखिए यहाँ पे लिखा के आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ टाइपिंग कर देता हूँ, आपके सामने भी यहाँ पर ढेर सारा फ्रंट आपको मिल जाता है, जिस फ्रंट में भी रखना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमको यहाँ पे इसमें रखना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर देखिए आपका ये है, यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी फ्रंट को यहाँ से चूज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसके बाद इसको सिंपल यहाँ पे सेव कर देंगे तो आपका ये जो सिग्नेचर है यहाँ पर देखिए ये सेव हो चुका है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद फिर से मैं सिग्नेचर को इस तरीके से लाऊंगा और जहाँ भी सिग्नेचर करना है यहाँ पे इसको ड्रॉप एंड ड्रॉप करूँगा। इसके बाद इस बार ड्रॉ लूँगा, ड्रॉ से इसको आप जो है साइन कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप जो भी सिग्नेचर करना चाहते हैं इस तरीके से आप सिग्नेचर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ गलत हो जा रहा है तो यहाँ अंडू करके इसको साफ कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आप इस तरीके से सिग्नेचर कर सकते हैं, इस तरीके से जो भी सिग्नेचर करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर कुछ लग रहा है गलत है तो यहाँ फिर से अंडू या यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाता है, जैसे मैं यहाँ इसको करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इंजीनियर रख देता हूँ इस तरीके से, और इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो ये जो है आपका जो यहाँ पे देखिए सेव हो चुका है। चलिए मैं इसको डिलीट करके हटा देता हूँ। इसके बाद मैं फिर से टूल्स में जाऊँगा, टूल्स में जाने के बाद इसे सेलेक्ट करूँगा और जहाँ भी आपको साइन करना है वहाँ पर ला कर इसको ड्रॉप करूँगा। इस बार मैं आपको यहाँ पर अपलोड वाले पर क्लिक करके दिखाऊँगा। यहाँ पर जहाँ भी आपका जो सिग्नेचर करके रखे हुए हैं सिस्टम में उसको यहाँ पर ड्रॉप एंड ड्रॉप करेंगे। तो इस तरीके से प्लस वाले आइकन पर जाएँगे। जैसे मैं यहाँ पे सिग्नेचर करके रखा हूँ, सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से इसको यहाँ पे रोटेट भी इस तरीके से कर सकते हैं। जिधर भी आपको रोटेट करना है आप इसको एकदम आसानी से कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा इसको आप यहां से जाके छोटा बड़ा इसको बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। इसके बाद सिंपली आप करना क्या है, यहां पे करने के बाद यहां पे ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद ये जो आपका सिग्नेचर है ये आपको यहाँ पर देखिए ये इंसर्ट यहाँ पर हो चुका है।
तो इस तरीके से आपके सिग्नेचर इसमें प्लेस्ड हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको और भी टूल्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखना है, यहाँ ईमेल के ऑप्शन है तो ईमेल अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं यहाँ पे तो ईमेल भी डाल सकते हैं, या डेट एंड टाइम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जैसे मैं ईमेल डालना है तो इस तरीके से आपको ईमेल वाले पकड़ के लाना है, और जहाँ भी ईमेल डालना है इस तरीके से ईमेल वाले पे छोड़ देंगे, और आप यहाँ पे ईमेल टाइपिंग भी कर सकते हैं, जो भी आपको टाइपिंग करना है इस तरीके से आप अपना टाइपिंग कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है ईमेल आईडी को ऐड कर देना, जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी को यहाँ पे जो है प्लेस कर दिया हूँ। इसी तरीके से सिग्नेचर आपको जो भी पेज में करना है इस तरीके से आपको सिग्नेचर उठा के लेके आ जाएंगे, और अपने जो सिग्नेचर है उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिग्नेचर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सिग्नेचर वाले पे क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग और ड्रॉप करके लाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको प्लेस करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंजीनियर राजा। इस तरीके से आपको यहाँ पे इंजीनियर राजा लिख देना, यहाँ बहुत सारे फ्रंट मिल जाते हैं, जो भी फ्रंट में रखना है उसको आपको चूज कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे इसको चूज कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सिग्नेचर आ चुका है। इसी तरीके से आप जिस भी पेज में करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सिग्नेचर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस पेज में करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर वाले को भेजाऊंगा, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिग्नेचर को लेके आऊँगा, और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पर मैं इस बार ड्रॉ वाला सिग्नेचर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं सिग्नेचर कर दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं सेव कर दूंगा। तो ये जो मेरा सिग्नेचर है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा सिग्नेचर है यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट पेज में आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे सिग्नेचर करना चाहता हूँ तो इसी तरीके से आपको सिग्नेचर वाले पे जाना है, इस तरीके से सिग्नेचर को यहाँ पे लेके आपको आ जाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, और जो भी सिग्नेचर करना चाहते हैं, जैसे मैं इस बार अपलोड पर जाऊँगा और मैं फाइल में जाके इसको लेके आ जा, यहाँ मेरा सिग्नेचर आ गया। इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे इसे रहने देते हैं। यहाँ मैं ओके कर दूंगा, ओके करने के बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सिग्नेचर यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से आप जितनी पेज पे चाहे आप ये सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ से आपको नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद देखिए अगर आपके पास अगर अगला ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुल्ली, इसको हम यहाँ से आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते। चलिए मैं यहाँ से आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक करें, यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप साइनअप हो सकते हैं। चलिए मैं गूगल से हो लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा जैसे मैं साइन इन हो गया, यहाँ पे मेरा जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो डाउनलोड हो गया है। चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर साइन किया हूँ, ई साइन तो यहाँ पे है। इस तरीके से आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, हाँ देखिए मैं साइन किया था, वो साइन यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ देखिए यह साइन मेरा जो यहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देखिए आपको जीप फाइल में डाउनलोड हुआ है, इसको आपको अनजिप कर लेना है, तभी आप इसको देख पाएगा जैसे मैं अभी आपको दिखाया हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, इसके लिए अपने अकाउंट में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंड योर सिग्नेचर, इसके बाद साइन योर सेल्फ। अगर आपको किसी से साइन करवाना है तो सेंड फॉर सिग्नेचर का फ्यूचर का जो है इसका यूज करेंगे। इसके लिए इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ अपलोड पर जो है जो भी जहाँ डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट को इसमें अपलोड कर लेंगे। यहाँ से मैं ये फाइल चूज कर लेता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन जो यहाँ पर ढेर सारा देखने को मिल जाता है। अगर सिर्फ आपको साइन करना है तो इस पर टिक कर दीजिए, अगर आपके साथ कोई और साइन करना है तो इसको आप अनचेक ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। आप जिसको ये सेंड करना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे उसका नाम डालेंगे, जिसे मैं यहाँ पे नाम डाल लेता हूँ। अगर आप चाहे तो इसमें प्राइवेट मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, इस पे ऐड वाले पे क्लिक करेंगे और इसमें आप जितना भी चाहे मैसेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बीच में आपको जो कोई भी इसको मैसेज को रीड नहीं कर पाएगा तो आप इसको मैसेज को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी मैसेज आप टाइपिंग करना चाहते हैं इसमें आप अपना जो मैसेज यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं इस तरीका से। इसके बाद आप यहाँ पर सेव कर देंगे तो ये मैसेज है सेव हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि लॉक लगा हुआ है, इसके बीच में आपको कोई भी ये मैसेज को रीड नहीं कर पाएगा। अगर एक से ज़्यादा लोगों को ये डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक से ज़्यादा जितने भी आप ऐड करना चाहते हैं इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। उसका ईमेल आईडी नाम यहाँ डालेंगे। अगर कोई प्राइवेट मैसेज आपको इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्राइवेट मैसेज सेंड कर सकते हैं, बीच में इसको कोई भी रीड नहीं कर पाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सेकेंड पर्सन की ईमेल आईडी नाम डाल देना है, कोई भी मैसेज लिखना है तो इसमें मैसेज जाकर आप यहाँ पर टाइपिंग करके यहाँ पे सेव करके इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये बीच में कोई भी जो पर्सन है कोई भी आदमी इसको रीड नहीं कर पाएगा। इसको ये आपका रेडी हो चुका है, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर ओपन होके आ जाता है।
अब डॉक्यूमेंट में जहाँ भी सिग्नेचर कराना है इस पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर सिग्नेचर कराना चाहता हूँ तो सिग्नेचर को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर देखिए जो भी पर्सन को आप सेंड करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पर आप सिग्नेचर करा सकते हैं ई सिग्नेचर। तो यहाँ पर देखिए जो है ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुका है। चलिए मैं इस तरीके से मैं यहाँ पर सेकेंड पर्सन चूज करता हूँ और यहाँ से मैं इसको पकड़ के यहाँ पर लेकर आता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर सेकेंड पर्सन का यहाँ पर हो चुका था। यहाँ पर देख रहे हैं इसका कलर भी यहाँ पर चेंज कलर है, ये तो ये कलर है इस तरीके से। और यहाँ रेड है तो यहाँ पे रेड है। तो यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन का सिग्नेचर हो जाएगा या और यहाँ पे जो है रेड पर्सन का सिग्नेचर यहाँ इसमें हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको कर देना है नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे आप कोई मैसेज भी टाइपिंग कर सकते हैं, जो भी मैसेज आपको टाइपिंग करना है। इसके बाद यहाँ पे आप डेज भी डाल सकते हैं, कितना डे में इसको कम्प्लीट करना है। तो इस तरीके से कोई भी डेट आप इस तरीके से डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है सेंड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखिए सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे सेंड हो चुका है। जिसको भी आप मैसेज सेंड किए थे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से वो इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद देखिए जो भी आप मैसेज की सेंड किए थे वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ स्टार्ट साइन इन पे वो क्लिक करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट को वो साइन कर सकता है। इस तरीके से यहाँ कंटिन्यू वाले पे ओके करेंगे। यहाँ से आई एग्री पे ओके कर लेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो यहाँ देखिए मैं उसको ये जो ऑप्शन जो भेजा था वो यहाँ पे उसका मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके करने के बाद यहाँ पे उसको तीन ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे वो साइन कर सकता है। ऐसे मैं यहाँ पे साइन कर देता हूँ। इस तरीके से वो यहाँ पर साइन कर सकता है। जो भी इसमें जो है फ़ॉन्ट चूज करना चाहता है वो इस तरीके से फ़ॉन्ट इसमें से चूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे उसको ड्रॉ का मिल जाएगा। इसमें वो कोई भी इस तरीके से साइन जो है ड्रॉ वाला कर सकता है। और तीसरा यहाँ पे इसको ऑप्शन मिल जाता है अपलोडिंग का, जहाँ भी डॉक्यूमेंट वगैरह रखा है सिग्नेचर करके अपने सिस्टम में कंप्यूटर में उस को वो वहाँ से प्लस वाला आइकन पर जाके वहाँ से उसको ला सकते हैं। यहाँ से वो अपलोड भी कर सकता है इस तरीके से ओके करके। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ऐड हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पर वो सिग्नेचर कर चुका है। तो वो जो है यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन उस पर्सन को मिल जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको उसको करना क्या है, यहाँ कंप्लीट वाले पे ओके करेंगे। जैसे इस पे ओके करेंगे तो यहाँ देखिए इसका जो सिग्नेचर कंप्लीट जो है सिग्नेचर हो चुका है और ये आपको फिर यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आपको कोई भी पर्सन सिग्नेचर के लिए डॉक्यूमेंट सेंड करता है तो वो आपको यहाँ पे शो होगा और आप यहाँ से इस पे क्लिक करके यहाँ से आप साइन कर सकते हैं। अगर आप किसी को सेंड करते हैं तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि आप जिस भी पर्सन को यहाँ पे सेंड किए हैं उस दोनों का यहाँ पे नाम आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पर्सन यहाँ पे सिग्नेचर कर चुका है और दूसरा पर्सन अभी बाकी है जो सिग्नेचर नहीं किया है। तो यहाँ पे इसका हाईलाइट भी ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ नीड योर सिग्नेचर का। और इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि इसका ये सिग्नेचर कर चुका है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही ये दोनों सिग्नेचर कर देते हैं तो यहाँ से जाके इसको आप यहाँ डाउनलोड पर जाके इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ जिप माई फाइल में मिल जाएगा। इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक पर्सन यहाँ पे जो है जो अपलोड किया था वो आ चुका है। दूसरा पर्सन करेगा तो यहाँ पे वो सिग्नेचर आ जाएगा। जितने भी साइन आपको कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे आपको कंप्लीट में मिले। इस तरीके से कंप्लीटेड फाइल को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं जो भी पर्सन आपको सिग्नेचर करके भेजा है वो यहाँ पे आ चुका है और उसका नाम भी यहाँ पे आ चुका है। तो जो भी आपको सिग्नेचर करके भेजेंगे वो कंप्लीट जो फाइल है इसमें आपको आ जाएगा। और यहीं से आप जाएंगे मोर वाले पे। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड पर जाने का इस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है। इस तरीके से आपका जीप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको खुद किसी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करना है तो साइन योर सेल्फ पे सिग्नेचर इस तरीके से क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसको आप जैसे मैं बताया हूँ उसको उसी तरीके से आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ से डॉक्यूमेंट को अपलोड यहाँ पे आपको ही साइन करना है। तो इसीलिए इसको चेक रहने देना है। इसके बाद यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने में नया पेज ये ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे आपके जो है डॉक्यूमेंट वो आ जाते हैं। इसको जैसे हमको यहाँ पे साइन करना है, साइन वाले के इस तरीके से उठा के लेके आएंगे। इसमें आपको पहले वाला साइन आ जाएगा, इसी आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग कर देता हूँ राजा। इस तरीके से आपको टाइपिंग कर देना है। यहाँ पर ढेर सारा आपको फ्रंट मिल जाता है। जो भी फ्रंट रखना है इस तरीके से फ्रंट को चूज कर लेना है। यहाँ से सेव कर देना है। जैसे इस पर सेव कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो सिग्नेचर यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपका एड हो जाएगा।
इसी तरीके से यहाँ से आपको नेक्स्ट जाना है और इसको भी आपको डाउनलोड करके रख लेना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ चुका है ईमेल का, डाउनलोड का। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कि आपका जो है डॉक्यूमेंट ये डाउनलोड हो, किसी भी टाइम चाहे तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है अपग्रेड नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ढेर सारा यहाँ पर प्लान मिल जाता है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्लान चूज कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको 1 मंथ मिल जाता है, 1 ईयर का मिल जाता है, यहाँ बिजनेस प्लान का मिल जाता है 1 मंथ और यहाँ पे 1 ईयर। तो आपको इसमें से जो भी प्लान आपको लेना है इसमें प्लान वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कन्फर्म वाले पे क्लिक करते ही आपको जो पेमेंट जो गेटवे है उस पर आपको लेकर चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से आप जो भी कंट्री में है वो कंट्री आपको इसमें से चूज कर लें। जैसे मैं इंडिया से, तो यहाँ पे इंडिया चूज कर लूँगा। यहाँ पे इराक आ चुका है, चलिए मैं यहाँ पे इंडिया डाल देता हूँ। इसलिए स्क्रॉल डाउन करके आएंगे और यहाँ पे देखिए इंडिया आ चुका है। यहाँ पे अपना जो भी पिन कोड है, पिन कोड इस तरीके से आप डाल देंगे। डालने का इस यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना। तो यहाँ पे पिन कोड डाल के जैसे ही इसको अपग्रेड करेंगे तो आपका जो है ये प्लान जो है अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे टेम्पलेट वाले पे ओके करेंगे, यहाँ पे आपको ढेर सारा टेम्पलेट मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ढेर सारा टेम्पलेट देखने को मिल जाता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको टेम्पलेट भर भर के आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे यूज टेम्पलेट पे क्लिक करके आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया हूँ तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है, उसी तरीके से जैसे मैं आपको बताया था पहले साइन करने का। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ चुका है। अब जहाँ भी आपको साइन करना है स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे नीचे, और जहाँ भी आपको साइन करना है इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर साइन करना चाहता हूँ, इस तरीके से सिग्नेचर वाला आएंगे और जो भी आप साइन करना चाहते हैं पहले वाला जो है साइन किए थे वो आ जाएगा। आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टैप मिल जाएगा, ड्रॉ मिल जाएगा और अपग्रेड का मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आप सिग्नेचर करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग कर देता हूँ राजा, इस तरीके से आपको टाइपिंग कर देना है। इस तरीके से आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कि मेरा नाम यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से इसके बीच में अगर आपको कुछ लिखना है तो इस तरीके से सिग्नेचर को उठा के लेके आएंगे और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, इस तरीके से यहाँ पे आपको सेव कर देना है। जैसे इस पर सेव कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा के यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी डॉक्यूमेंट पे ई साइन करके आप बहुत ही आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इस तरीके से सिग्नेचर को डाउनलोड करके आप दूसरे को भी सेंड कर सकते हैं, वो भी आपको सिग्नेचर करके आपके पास सेंड कर देगा। तो इसी तरीके से कोई भी पर्सन आपको सेंड कर देगा सिग्नेचर कराने के लिए, आप भी इसी तरीके से सेंड कर देंगे किसी भी पर्सन को सिग्नेचर करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा जो आपको ये ऑप्शन है जिससे आप बहुत ही आसानी से आप ई साइन कर सकते हैं और किसी भी पर्सन से आप ऑनलाइन जो है ये फॉर्म को भेज के आप किसी भी पर्सन से ई साइन करवा सकते हैं और आपके पास वो ई साइन करके भेज सकता है। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हम ई साइन करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।